Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. If you are new here, please make sure to subscribe to my channel. It will mean a lot to me. So guys, in today's video I'm going to show you this product from Mars. This is their translucent powder. मैंने ये Flipkart से order किया था. सारी details product की description box में मैं दे दूंगी, so आप उनको definitely check out कर सकते हैं. इसमें 3 shades are available, but जो मेरे पास shade है that is translucent. So अगर आप देखना चाहते हैं how this shade looks like, कैसे work करता है, so बने रहिए video के last. Now without further ado, let's get started. So guys, this is how the packaging looks like. MRP की बात करें तो this retails for 229 rupees. कोई discount नहीं था इस पे, 1 रुपए का भी discount नहीं था इस पे. The parabens है guys. So आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि इस product में parabens हैं. This do contain parabens. अब प्रोडक्ट्स इसमें 3 शेड्स आते हैं गाइज. मैं यहाँ पे साइड पे इसका स्क्रीनशॉट अटैच कर दूंगी. 3 शेड्स आते हैं, बनाना पाउडर है, देन समथिंग बेज करके है, एंड देन देयर इज ट्रांसलूसेंट. सो दिस इज हाउ यू कैन जस्ट ओपन इट. And this is how the container looks like. Wow, so nice. बहुत ही sleek है. Look, इसके ऊपर इसका brand का नाम है. पीछे आपको इसकी you know manufacturing date and expiry date दिख जाएगी. So इसको हम open करते हैं. इसके साथ जो best thing है that is guys इसका ये puff. बहुत ही अच्छी क्वालिटी का पफ है. आपको मतलब अगर आप मेबेलिन का भी लूज पाउडर लेते हो ना, उसके साथ भी कोई वो पफ प्रोवाइड नहीं करते. एंड ये वो वाला यू नो जो प्लास्टिक फील वाला होता है, ये वो वाला नहीं है. ये एक्चुअली यू नो स्पॉन्ज पफ है. आप इसको डेफिनेटली यूज कर सकते हो. दिस इज हाउ दिस प्रोडक्ट लुक्स लाइक. मैंने इसको ओपन नहीं करा है यहाँ से, ये सील्ड है. आपको एक्चुअल प्रोडक्ट ओपन करके दिखा देती हूँ अंदर से. जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है, ट्रांसलूसेंट होने की वजह से ये प्रॉपर वाइट कलर का है. इसका कोई भी शेड नहीं रहेगा. अगर आप अपने फेस को सेट करने के लिए इसको यूज करेंगे, उसके बाद ये कोई भी कलर नहीं छोड़ेगा. दिस इज हाउ दिस प्रोडक्ट लुक्स लाइक गाइस. ट्रांसलूसेंट है, दिस इज प्योर वाइट इन कलर. इसमें हल्के हल्के से मैंने ये चीज ऑब्जर्व की है कि इसमें हल्के हल्के से वाइट कलर के यू नो ग्लिटरी पार्टिकल्स हैं, बट वो अप्लाई करने के बाद इतने ज्यादा दिखाई नहीं देते हैं. बट येस, इसमें वो यू नो आपको वो हल्की हल्की ग्लिटरी. बारीक से इसमें पार्टिकल्स हैं जो कि ग्लिटरी हैं. आपको इतना ज्यादा दिखाई नहीं देगा. अगर इसको ब्लेंड करें तो दिस इज वेरी वेरी स्मूथ. इसकी कोई भी वाइट कास्ट नहीं आएगी. स्किन पे एक नेचुरल सी ग्लो आती है. ये देखिए, इस पे करा हुआ है, इस पे नहीं करा हुआ है. सो बहुत ही नेचुरल सी शाइन आ रही है इससे. ये सील मिल जाती है यहाँ से. प्रोडक्ट जो है वो सील्ड है, एंड यू हैव टू जस्ट ओपन इट लाइक दिस. इसके अंदर यहाँ पे आपको बहुत सारे डॉट्स देखने को मिल जाते हैं. यहाँ से आप अपना प्रोडक्ट जो है वो यूज़ कर सकते हैं. आप अपनी लिड में लेके ये प्रोडक्ट को लिड में आप ट्रांसफ़र करके उसके बाद यही पफ की हेल्प से, बिकॉज ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का पफ है. आप इसकी हेल्प से आप अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हो, अंडर योर आईज अप्लाई कर सकते हो, बेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो. सो या मैं इसको अभी ओपन नहीं कर रही हूँ अदरवाइज, क्योंकि ये बहुत मैसी हो जाता है. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइज. आई होप यू रियली एंजॉयड इट. अगर आपके लिए वीडियो किसी भी तरह से हेल्पफुल रही हो, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल सो दैट यू नेवर मिस एनी अपडेट फ्रॉम माई चैनल. नाउ आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.